किन्नौर के तिरुर घाटी के ठग्गे गांव में ढांडस कोट बुमकौर को लिपिबद्ध किए गए ग्रंथों का गांव में परिक्रमा तथा जगह जगह साडस लगाकर शुद्धिकरण किया गया। इस परिक्रमा में स्थानीय देवता रोपुक शंकर गांव के बौद्ध भिक्षुगण व समस्त गाँव वासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस परिक्रमा में ग्रामीणों को सुरक्षित रखते हुए देवता रापुक शांकरस सबसे पहले, फिर बौद्ध भिक्षु व अंत में गांव के ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में परिक्रमा करते हैं और बौद्ध मंत्रों का जाप करते हैं। इस परिक्रमा का मकसद गांव की सुख समृद्धि व वर्ष भर की अच्छी फसलों के लिए होता है। बताते चले कि भारत के हिमालयी क्षेत्र जैसे लद्दाख, किन्नौर, लाहौल स्पीति, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इत्यादि प्रांतों में प्रतिवर्ष बौद्ध मंदिर में विराजित कांग्यूर और तांग्यूर पोथियों को संपूर्ण गांव में परिक्रमा करने के लिए निकाला जाता है। ऐसा करने के पीछे ये मान्यता है कि चूंकि इन पोथियों में तथागत बुद्ध के सम्यंग वाणी को लिपिबद्ध किया गया है, इसलिए इन बुद्ध वचनों को पूरे गांव में परिक्रमा करने पर बुद्ध की मंगल वाणी जीवंत रूप में अनुभव होता है और गांव की सुख समृद्धि, खुशहाली और मंगल मैत्री का संचार भी होता है। ये बौद्ध धर्म और आदिम संस्कृति का एक ऐसा सुंदर विलयन है जो किन्नौर में सदियों से अनवरत चलता आ रहा है। ये संस्कृति वास्तव में अद्भुत और महान कल्याणकारी है।